हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा देखिए, आज का जो ये टॉपिक है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, पहले आपको ये देखना है कि आज का टॉपिक जो है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, पहले तो आपको ये समझना है कि प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स और सफिक्स, ये दोनों को हम क्या कहते हैं? अफिक्स कहते हैं। देखिए, मैंने लिखा है प्रीफिक्स तथा सफिक्स दोनों को अफिक्स कहते हैं। अफिक्स का मतलब होता है जोड़ना। ओके, तो देखिए, पहले हम समझते हैं प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स का हिंदी में मीनिंग होता है उपसर्ग। अब देखिए, जो प्रीफिक्स होता है किसी भी वर्ड में पहले जोड़ा जाता है, और किस तरह के वर्ड में? मूल वर्ड में, जिसको हम प्राइमरी वर्ड या रूट वर्ड कहते हैं। प्राइमरी या रूट वर्ड हम उसे कहते हैं जो मूल शब्द हो। जैसे मान लीजिए, अभी एग्जांपल में देखिए, मैंने लिखा है पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स क्या होता है? संभव। तो ये जो है ना, ये प्राइमरी वर्ड है, यानी मूल शब्द है, इसको हम रूट वर्ड भी कहते हैं। तो देखिए, पॉसिबल, पहले प्राइमरी प्रीफिक्स को समझिए। प्राइमरी वर्ड्स से पहले जोड़े जाने वाले भाग को प्रीफिक्स कहते हैं। यानी जो मूल शब्द है, इसमें यदि हम पहले कुछ जोड़ते हैं, वो प्रीफिक्स है। यानी प्रीफिक्स को आगे की ओर जोड़ा जाता है, यानी पहले जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर पॉसिबल है, और पॉसिबल के आगे मैंने आई एम यानी इम जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? इम्पॉसिबल बन गया। जैसे देखिए, यहाँ पर मूल शब्द यानी आई मीन प्राइमरी वर्ड फुल है। फुल मीन्स मूर्ख होता है, और इस फुल के पहले बी ई जोड़ दिया गया, तो ये क्या बन जाएगा? बी फुल। बी फुल मीन्स होता है मूर्ख बनाना। अब देखिए, प्रिजन, प्रिजन, और प्रिजन के पहले क्या कर दिया गया? आई एम, यानी कि इम प्रिजन हो गया। जैसे अब यहाँ पर देखिए, जो प्रिजन है, प्रिजन का मतलब होता है कैद या कैद खाना, और इसमें हम प्रीफिक्स आई एम जोड़ देते हैं तो बन जाता है इम्प्रिजन, और इम्प्रिजन मीन्स होता है कैद करना, कैदी बनाना। अगला वर्ड देखिए, ये भी मूल शब्द है काइंड। काइंड के आगे हमने क्या जोड़ दिया? यू एन यानी अन। अन क्या है? प्रीफिक्स है, तो क्या बन जाएगा? अनकाइंड। देखिए, जॉय मूल शब्द है यानी प्राइमरी वर्ड है। जॉय के पहले ई एन प्रीफिक्स जोड़ दिया गया, तो बन गया एन्जॉय। पार्ट, पार्ट के पहले डी ई क्या है? ये प्रीफिक्स है, और ये डी ई जब हम पार्ट के पहले जोड़ेंगे, यानी प्रीफिक्स डी ई जब लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? डिपार्ट हो जाएगा। ओके, डिपार्ट मीन्स क्या होता है? प्रस्थान करना। तो इस तरह से बड़ा आपको समझना है, किसी भी मूल शब्द में हम कोई भी लेटर पहले जोड़ते हैं, वो प्रीफिक्स होता है, और प्रीफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अगला देखिए है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, ठीक उसका उल्टा होता है। प्रीफिक्स को हम शब्द के पहले जोड़ते हैं, और सफिक्स को हम शब्द के अंत में जोड़ते हैं। बस इतना ही चीज़ समझना है आपको। अब देखिए, सफिक्स कहते किसे हैं? प्राइमरी वर्ड्स के अंत में जोड़े जाने वाले भाग को सफिक्स कहते हैं। अब देखिए, प्राइमरी वर्ड यहाँ पर है मैनेज। मैनेज प्राइमरी वर्ड है, आई मीन मूल शब्द है, और इस मैनेज में हमने सफिक्स मेंट को जोड़ दिया। मेंट क्या है? सफिक्स है, लेकिन जब मैनेज प्लस मेंट को जोड़ेंगे, तो एक नया शब्द क्या बनेगा? मैनेजमेंट बनेगा। ठीक उसी तरह से चाइल्ड, चाइल्ड जो है एक मूल शब्द है, और उस चाइल्ड मूल शब्द में यानी प्राइमरी वर्ड में हमने क्या जोड़ दिया? हुड। यहाँ पर हुड क्या है? सफिक्स है, और दोनों को चाइल्ड प्लस हुड को जोड़ते हैं तो बनता है चाइल्ड हुड। चाइल्ड हुड मीन्स होता है बचपन। अब देखिए, नेक्स्ट वर्ड है, प्राइमरी वर्ड है ग्रेट, और ग्रेट में हमने सफिक्स नेस को जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा? ग्रेटनेस। ग्रेटनेस मीन्स क्या होता है? महानता। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉफिट। प्रॉफिट देखिए, यहाँ पर प्राइमरी वर्ड है, और इस प्रॉफिट में हम एबल, एबल क्या है? सफिक्स है, तो प्रॉफिट प्लस एबल को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट वर्ड है हार्म। हार्म क्या है? प्राइमरी वर्ड है। इस प्राइमरी वर्ड के बाद हमने लेस यानी एल ई एस एस, एल ई एस एस क्या है? सफिक्स है। जब हार्म प्लस लेस को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हार्मलेस। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड देखिए, जैसे यहाँ पर है होप।
प्लस फुल। अब होप जो है प्राइमरी वर्ड है, होप मीन्स आशा, और इसमें हम फुल यानी एफ यू एल फुल क्या है, सफिक्स है, यानी जब होप प्लस फुल को जोड़ेंगे तो ये बन जाता है होप फुल। तो इस तरह से बेटा हम प्रीफिक्स और सफिक्स को जानते हैं, और आप इसको भी अच्छी तरह से समझना कि किसी भी प्राइमरी वर्ड के पहले कुछ लेटर्स जो जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जाता है वो प्रीफिक्स कहलाता है, और यदि किसी प्राइमरी वर्ड के अंत में कुछ लेटर्स जोड़ करके लास्ट में कुछ जोड़ करके नया शब्द बनाया जाए उस जोड़े हुए लेटर्स को हम सफिक्स कहते हैं। ओके, तो बेटा मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे भी, और फिर आपसे मैं यही बार बार कहता हूँ कि जो प्रीफिक्स हैं सफिक्स हैं ये मैक्सिमम मतलब कि ये आपके ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये 9th, 10th, 11th, 12th और जो आर्मी एयरफोर्स के जो परीक्षाएं होती हैं एक्स वाई ग्रुप का, उनमें इनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक जय हिंद।